अच्छा करने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी। एआईसीसी ने जोनल, लोकसभा और अन्य ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की है। वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। रामपाल शर्मा को पोरबंदर, राजेंद्र सिंह को जामनगर, डॉक्टर करण सिंह यादव और महेंद्र गहलोत को जूनागढ़, सुखराम बिश्नोई और गोपाल मीणा को अमरेली, भंवर सिंह भाटी को भावनगर, जगदीश चंद्र को आनंद, अमरजीत भगत को खेड़ा, ताराचंद भकोरा को पंचमहल, महेंद्र जीत सिंह मालविया को दाहोद, अशोक बैरवा को वडोदरा, अर्जुन सिंह बामणिया को छोटा उदयपुर, गोविंद राम इकबाल को भरूच, रामलाल मीणा को बारडोली, इसके अलावा आरसी खूटिया को सूरत, राजेश मिश्रा को नवसारी और वसंत पुरगे के वलसाड़ की जिम्मेदारी दी गई। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, मानकर चलें कि गुजरात के चुनाव को वैसे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी लड़वा रहे हैं, लेकिन मुख्य भूमिका राजस्थान के ही नेताओं की रहने वाली है। देखिए विजेंद्र, गुजरात चुनाव को लेकर अब ऑब्जर्वर्स कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं और देख सकते हैं आप लिस्ट में तमाम सीनियर कैटेगरी के ऑब्जर्वर्स, इनमें मुकुल वासनिक है, मोहन प्रकाश है, इनको जोनल इंचार्ज का बनाया, बी कैरी प्रसाद है और साथ ही राजस्थान के जो नेता है, क्योंकि राजस्थान गुजरात सटा हुआ इलाका है, प्रदेश है, वहां पर राजस्थान के नेताओं को जो प्रमुख तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो राजस्थान सरकारी मंत्री हों, रामलाल प्याट है, महेंद्र मालविया है, उदयलाल आनंदा है, प्रमोद जैन भाया है और इसके साथ ही तमाम प्रमुख नेता है, रघु शर्मा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता, वो पहले से ही गुजरात के संगठन के इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी के, और सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर अशोक गहलोत पहले से ही गुजरात का चुनाव देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब ये घेरेबंदी करने का प्रयास है। इस घेरेबंदी के जरिए कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ कमियां हैं, खामियां हैं, इलेक्शन के पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट को संभालने का जिम्मा अब राजस्थान के प्रमुख नेताओं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिग्गजों को सौंपा गया है। और जोनल इंचार्ज का मतलब यह होगा कि पूरे जोन, पूरा जो संभाग है, उसकी जिम्मेदारी बड़े नेताओं के कंधों पर होगी और वो तमाम जो, क्योंकि विजेंद्र अक्सर ये देखा जाए गुजरात में कांग्रेस जो बूथ मैनेजमेंट होता है चुनाव के दिन, वो एक कांग्रेस पार्टी का इतना कमजोर रहता है, यही कारण है कई बार कांग्रेस पार्टी इसी कारण से चुनाव वहां पर लूज कर जाती है जी। तो यही एक बड़ा रहेगा महत्वपूर्ण काम कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वहां पे बूथ पर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, योगेश जी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।